बिहार से इस समय की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में 24 अगस्त को जेडीयू और आरजेडी की नई नवेली सरकार की बड़ी परीक्षा होनी है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में बनी इस सरकार का 24 अगस्त को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए होती है। आरजेडी और जेडीयू का दावा है कि इनके पास 165 के करीब विधायक हैं। बता दें कि बिहार में इस समय लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 79 विधायक हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास 77 विधायक हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के पास 45 विधायक हैं। आरजेडी और जदयू सरकार का दावा है कि उनको कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन है और तमाम अन्य जैसे कि हम ऐसी पार्टियों को मिलाकर उनके पास 165 विधायक हैं। हालांकि उनके दावे में कितना दम है ये 24 अगस्त को पता चल जाएगा, जब इस सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा।